मैं चढ़ सकता हूँ। वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। और आज का सीन ये है कि मैंने बोला था दुबई जाएंगे हम लोग कराची से दुबई, तो वो प्लान हमारा चल रहा था दुबई जाने का, लेकिन रास्ते में एक दो मस्ते भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम पहुंच गए यहाँ तक। अब सिनेरियो ऐसा है कि दुबई का डेजर्ट आप देख लो सफारी वाला, ये बेसिकली पाकिस्तान में ही धाम बलोचिस्तान का डेजर्ट है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, ड्रोन शूट्स भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन आज हमारा प्लान था कि हम ड्रोन शूट तो नहीं बना रहे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इस डेजर्ट को अच्छे से सही से कैप्चर करके आपको दिखा सकें। मेरे चैनल पर पहले धाम की जेटी की तो वीडियो है, मैं बहुत पहले आया था, बट अभी जो है वो डेजर्ट भी हमने आज विज़िट कर लिया। तो पहले तो ये आप वीडियो देखो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और तस्वीरें मैं कुछ लगाता हूँ अभी इसमें ताकि आपको लगे कि डेजर्ट की तस्वीरें बेसिकली हैं कैसी। बहुत सारी जगह से मिल जाती है, मगर मेरी तस्वीर थोड़ी यूनिक होंगी तो आपको मज़ा आएगा तस्वीरें देखने में। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और डेजर्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं ब्लॉग में देता हूँ, और डेजर्ट की पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। देखते रहो मेरी वीडियो को, स्टे ट्यून, और लास्ट तक देखना, उस पर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और क्या बताऊँ, दुबई के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये ब्लॉग पाकिस्तान के दुबई का है, और बहुत जल्दी जो है हम इंशाल्लाह दुबई के ब्लॉग्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखें पहले वीडियो, तो डू नॉट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलते हैं वीडियो की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है वो हमने आज प्लान किया कि आज हम जाएंगे धाम बलोचिस्तान। तो काफ़ी दिनों बाद हमारा प्लान बना है, तो आज धाम बलोचिस्तान दिखाते हैं आपको दुबई डेजर्ट। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं आगे, सफ़र स्टार्ट हो चुका है हमारा। इस वक्त हम PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंप पर हैं इस वक्त, और बाकी हम फर्दर मोर में रास्ता दिखाता हूँ और डायरेक्ट डेजर्ट दिखाएंगे, रास्ते की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, तो स्टे ट्यून। सो भाई शेरशाह पहुँच गए हैं, और वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जो शेरशाह वाला रोड है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। तो बॉयज़ आर स्टिल, अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएँ तो फिर हम शेरशाह से निकलते हैं आगे। तो बस बताना ये था कि अभी नवंबर है, और दिसंबर जनवरी फरवरी तक जो लोग शारा फैसल से ट्रैक करने के लिए आ रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं, तो उनको मेरे हिसाब से शेरशाह वाला रोड नहीं लेना चाहिए, वो शारा फैसल से आएँ। तो अभी बस यहाँ रुकने का रीज़न सिर्फ यही था। तो बॉयज़ आ जाएँ तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते अपनी वीडियो को, और कोशिश करें कि आप दिसंबर जनवरी फरवरी तक शेरशाह वाला रोड नहीं लें, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो अब फर्दर मोर डिटेल जो मैं वहाँ देता हूँ, ये यहाँ पर वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था कि आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग यहाँ से रास्ता स्किप करो। चलो बाकी मिलते हैं। तो इस वक्त जो है ना अभी बलूचिस्तान, बाबे बलूचिस्तान पे हम पहुँचे, तो रोड बंद था क्योंकि आपको याद है कि जो ब्रिज टूटा था, ये ब्रिज टूटा जब से अब तक सैलाब को गए हुए भी अरसा हो गया, ज़माना हो गया, सैलाब खुद घूम गया कि कहाँ है, किधर है, क्या है, लेकिन हमारी हुकूमत, खूबसूरत हुकूमत, तो ये ऑल्टरनेट रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, ये तो ऑल्टरनेट रस्ते से सबके सब जितने भी हमारी जो फॉर्म है रुकने वाली तो है नहीं, वो तो ऑल्टरनेट रस्ते से ही वो जा रही है अभी, और हम भी ऑल्टरनेट रस्ते से ही जाएंगे अभी। और ब्रिज स्टिल अभी तक उसी कंडीशन में है जैसा कि आप देख रहे हो, अभी तक उसी कंडीशन में, और कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा अभी आने में। तो मैंने सोचा था खाली शेरशाह वाला जाम है वो ब्रिज बन रहा है, लेकिन ये स्टिल टूटा हुआ है। तो एज अ टूरिस्ट तो हमारे लिए अच्छा ही है कि ऑफ रोड मिल गया, लेकिन आगे जाते हैं फिर देखते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। साथ साथ फर्दर मोर स्टोरीज जो है ना वो भी दुबई पहुँच के बताता हूँ, ठीक है। चल सो फाइनली मैं तो विंदर सिटी पहुँच गया हूँ, इस वक्त मैं विंदर सिटी में हूँ, लेकिन बॉयज़ जो है वो अभी तक नहीं आए, रास्ते में एक जगह थोड़ा सा ऑयल वगैरह पड़ा हुआ था, तो शायद हो सकता है इस वजह से स्लो हूँ, लेकिन मुझे पहुँचे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, बट बॉयज़ स्टिल नॉट देयर। अब देखें वो पहुँचेंगे विंदर, तो फिर हम जाते हैं अपने दुबई डेजर्ट पर, तो फर्दर मोर देखते हैं क्या होता है। लेकिन रास्ता बहुत मज़े का था, लेकिन मैं नए आने वाले लोगों को बताऊं कि अभी करंटली विंदर से तकरीबन कुछ 20 से 25 किलोमीटर पहले रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत स्लिपरी है और ऑयल पड़ा हुआ है। तो अभी इन दिनों में जो भी लोग आएंगे उनको एहतियात करना है, ख़ासतौर पे वो बॉयज़ जो रात में आते हैं ना, जब हम भी कभी अक्सर रात में होते हैं तो हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा अपने मतलब स्पीड में रखते हैं, तो ख्याल करें इस बात का कि विंदर से पहले यानी कि आप जब निकलेंगे बाबे बलोचिस्तान से आगे, उससे पहले तकरीबन कुछ उससे आधे घंटे की ड्राइव के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ है रोड पे और बहुत डेंजरस है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग एहतियात करो उस चीज़ के लिए, बहुत एहतियात करो, ठीक है। फाइनली वी आर दुबई नाउ, और अब हम जा रहे हैं दुबई की, आपको ज़रा सैर कराते हैं कि दुबई की सैर कैसे होती है, और अगर ये लोकेशन आपको देखने के बाद भी पसंद ना आए
फिर कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। चलें आगे चलें आप। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैक है, बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैक। अभी हम उतर रहे हैं इस वक्त डेजर्ट में और देखते हैं कि क्या ये मंगल है। मच्छी पकड़ रहे हैं यहाँ पर, मच्छी नॉट मछली, मच्छी। यस यस यस, अमन वॉइस गोज ऑन। आप देख रहे हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है कि साहिल समंदर चल रहा है और ये साथ में जो है वो दुबई डेजर्ट है। और आपको यकीन आ रहा होगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान में घूम रहे हैं और ये मेरी वीडियो के तवस्तु से आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत ही खूबसूरत जगह देखने को मिल रही होगी। तो हर बार की तरह इस बार भी वही, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। ये है बेसिकली दाम बलूचिस्तान और ये उसका डेजर्ट है जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये दुबई सफारी। अभी मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखाऊंगा और रास्ता जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है डेफिनेटली, क्योंकि मिट्टी है और कॉम्प्लिकेशंस हैं बाइक चलाने में। लेकिन फिर भी अरे भाई ये देखें यहाँ पर ये फिशरमैन जो बॉयज है यहाँ पे बैठे हुए है, दाढ़ी बाबू क्या हो गया तुम्हें। अभी हम जाएंगे ऊपर डेजर्ट पर भी और जो है अब ये कैसे उतरेंगे समंदर में ना चले जाएं हम समंदर में ना चले जाएं। चलो कैरी ऑन आगे जाएंगे और मजीद, चलो और आगे चलेंगे। अच्छा भाई, वीडियो बनाने के लिए एक ये होता है कि जब हम कैमरा लगा लेते ना अब खुद नहीं आ पाते हम ज़्यादातर, तो एक ये सीन है। आप फिलहाल मंजर देखो यार, मंजर चेक करो भाई। चलो पूरा निकलें ना जी भाई, चलाते हुए निकलें। पहले ही बाइक पिछली दफ़ा भी मीटर वगैरह इसको ब्रेक हुआ था। सेवेंटी बादशाह थोड़ा सा टफ हो रहा है बट जाना तो है। अभी तो मज़ीद साहिल पड़ा है यार, खूबसूरत माशाल्लाह। बाइक का साउंड आ रहा होगा बहुत ज़्यादा लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे ये तो टेंशन दे रही है, मैं गलत जगह से आ गया, मुझे इधर से नहीं आना चाहिए था, ऊपर से जाना चाहिए था। बाइक स्लिप हो सकता है, मुझे ऊपर से जाना चाहिए था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट ईजी, बट जाना तो है। वाह, सपट बीच याद आ गया मुझे इसको देखकर, भूजी को सपट जब किया था हमने रात के अंधेरे में और सुबह थोड़ी आगे हमारा प्लान शायद कैंसिल हो जाए, सुबह रुक गए। हाँ क्या प्लान है? ये वाली जगह ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आगे देख रहे बहुत लोग साथ हैं। चलें चलें आगे जाके फायदा, आगे जो है ना उधर वो बाइक चढ़ाने की जगह है शायद। यार यहाँ तक आए तो ट्राई तो करेंगे ना भाई, लेकिन वो पकड़ ली है मट्टी, बाइक नहीं चल रही है, मट्टी पकड़ ली है बहुत ज़्यादा। मंजर देखें, सन देखें, खूबसूरत जगह, खूबसूरत ये नज़ारे। दिस इज रियली हिट, मडगाट में फंस रही है मट्टी, मडगाट फंस रहे हैं। देन व्हाट टू डू? मेरा मशवरा नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। चलो अहमद भाई, अब हमने सोचा बस यहीं तक जाएंगे और यहाँ से हम गाड़ी मोड़ लें क्योंकि अब हमें प्लान हो रहा है वापस जाएंगे वहाँ तक। आ जाओ हीरो, तस्वीरें खींच, यहाँ से चढ़ने की ऊपर कोशिश करते हैं।
चलो चलो टाइम होता ना तो ड्राइव मारते बाइक चढ़ाने चढ़ाने हम जा रहे हैं इस वे पे अब डेजर्ट पे हम बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। गाड़ी की चीज़ें निकल गई हैं बेसिकली, जो मिट्टी है ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये पैच, इसमें हो ये रहा है कि टायर अंदर जा रहा है तो उसके बाद मिट्टी जो है वो मडगार्ड पे लग रही है और फिर मिट्टी आगे जा नहीं पा रही, वो लोग फंस गए हैं वहाँ। हम लोग चलते हैं बहरा, अब चलते हैं आपको ऊपर रेगिस्तान में लेके जाते हैं, फर्दर मोर ब्लॉक में ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, वहाँ बनाएंगे बैठ के, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब लेके चल रहा हूँ तुम्हें दुबई जो ये दुबई दुबई मैंने गाया है ना पूरी वीडियो में, ये है डेजर्ट सफारी। अबे अहमद भाई तुम क्या बोलते हो यार, ये क्या है, ये कौन सी जगह है यार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो बस ये जो है ना, ये लोग खड़े हुए नीचे और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे और ये गाड़ी उन्होंने निकालने की कोशिश कर ली। अब इस डेजर्ट से नीचे उतरना भाई, कैमरे में हाथ दिला दो, कैमरे में हाथ दिला दें सही उनकी लग गई है वाट और सूरज चला गया अंदर और हम अब उतरेंगे कैसे। देखो गिरूं तो पकड़ लेना भाई, यार डेंजरस है यार, इट इज़ वेरी स्कैरी भाई, अगर गिरूं तो पकड़ लेना। हुई हुई हुई, जूते गए सारे बाहर। बाबा टेंशन हो रही है, ये ठीक है आप ऐसे एड़ी फंसाएं और ऐसे उतरें और चलो चलो चलो। और ये खड़ी हुई मेरी खूबसूरत सी बाइक, भाई पूरे जूतों में भर गई है मिट्टी, तो बाहर निकल के देखते हैं। चलो भाई ये खड़ी हुई बाइक हमारी और जैकेट को ये जैकेट गीली है भाई क्या? ओहो अहमद भाई इधर आके गाड़ी तो पकड़ो यार, ये भी ना चली जाए। ये गाड़ी पकड़ो आके, ये जो ना चली जाए भाई, हमने लगाई भी तो बहुत कोने पड़ती। चलो खैर एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल, तो हम जा रहे हैं इसे। ओहो हो तो निकालो ना, और देखो दोनों मोबाइल भी मेरे पास हैं यार, ये लो
चलो भाई अब हम दिखा देंगे जैकेट अगर पानी में गिर जाए तो वापस कैसे धोनी है। ये डाली हमने जैकेट पानी के अंदर और ये हमने निकाल ली वापस। लेकिन जूते जो है ना ये गलत टाइप के गीले कर लिए मैंने, गीले करने नहीं थे जूते, ये हो जाता नुकसान है। अहमद भाई कुछ आखिरी लम्हात, मेरा ग्लव्स भी गीला हो गया है, कुछ आखिरी लम्हात में कहना चाहते हैं कुछ आप तो आप कह सकते हैं वीडियो होने आखिरी लम्हात में यही कहेंगे यार कैसा लगा आपको ट्रिप? सफ़र ज़ाया नहीं किया, मज़ा आया, मज़ा आया, बहुत खूबसूरत लग रहा है आप वीडियो में। एक हार्ट के पेशेंट को जो इस रेतीले रेगिस्तान में चलवाया अब डोनेशन नहीं मांगना ये बहुत गलत सीन है चलो 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 खैर इससे पहले कि हमारी बाइक गिरे तो हम चलते हैं अपने सफ़र की जाने। यार ये मेरा ग्लव्स गीला हो गया ना आई थिंक, अरे 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 लाओ कैप लाओ, बाइक पकड़ो एक मिनट, पकड़ा हुआ यार रखो आराम से। चलो हम रखते हैं अपने सारा इक्विपमेंट वापस, बचत हो गई, वापस। और अब हम चलते हैं अपने कैब भी रख देते हैं वापस, कैब भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है अभी तो हमने कैब भी रख दिया अपना इस तरह से वापस। रात हो गई ठीक है यार, तो रुक जा ये नहीं मारो, चलो बाहर से जो है ना क्या कहते हैं होटल वोटल से लेके पानी जो है ना मार देना। मैंने ग्लव्स इसके अंदर अटका दिया है, समंदर के मनाजिर हमारे हो गए एंड एक गाड़ी उतार ली और हम चलते हैं अपने घर की जाने। ओ भाई यार गाड़ी ये बिल्कुल ना समंदर के साथ खड़ी की हुई है, हम हैं भी तो मतलब टेक्निकल, क्या ये क्या हो रहा है, नया हो गया ये, एक हमारे दोस्त की बाइक गिर गई है लाइक पानी के अंदर, आधी बाइक पानी में थी और हम तो फिर ऊपर थे डेजर्ट में वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे तो फिलहाल वो अपने हेलमेट को उस वक्त धो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका हेलमेट सेट हो जाए तो यही है बेटा। सो चलते हैं अपनी वापसी के सफ़र के जाने और मेरा अंधेरा होने को है और गाड़ी सूरज गायब हो चुका है और इससे पहले कि अरे अरे गाड़ी समंदर में कहाँ जा रही है, अरे भैया अरे भैया गाड़ी तो बहुत आड़ी कर रही थी, ऊपर से जाना पड़ेगा, गाड़ी चल ही नहीं रही, ये क्या हो गया, इट इज़ वेरी डेंजरस टू बी हियर। गाड़ी का टायर कहीं जा रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं उसको उसी रस्ते से चलाता हूँ जहाँ से जा रही हूँ, रेडी गई हूँ, दिस इज सो डिफिकल्ट, अल्लाह मदद, जगह समंदर और हमारी सवारी, बहुत मज़ा आया आज के ट्रैक में और इतना हसीन सोचा था उतना ही खूबसूरत निकला और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया है हमने, बहुत सी मस्तियाँ जो हमने हिंदी वीडियो बनाई है, बहुत सी चीज़ें उस वीडियो में नहीं बना सके क्योंकि हम अपनी इन्जॉयमेंट में लगे थे, तो बस ये देखें हमने हमारे दोस्त के साथ किस तरह स्लिप हो रहा है, इतना आसान गाड़ी को लेके जाना बहुत डिफरेंस हो गया। और ये हमारे फिशर भाई कैसा शिकार है भाई, लग रहे हैं, चलें भाई खुश हैं इनके दो चार दाने लग गए हैं और गाड़ी नहीं चल रही है उससे भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। हाँ भाई कैसा शिकार है, अच्छा बस चल रहा है, ये एशिया की आप कह सकते हैं गाड़ी फंस गई है इसकी बहुत बुरी तरीके से, अरे ये स्लिप ना हो जाए, देखो रुको मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ, रुको रुको रुको, गाड़ी फंस गई है, हमारी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, चलो इस तरफ लेके मत जाना गाड़ी, रुको 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 रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर से निकलेगी, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट उतरना पड़ेगी गाड़ी, ऊपर चढ़ाओ ऊपर ऊपर चढ़ाओ, हाँ ऊपर चढ़ाओ, चढ़ाओ 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 चढ़ाओ, चलो चलो चढ़ाओ चढ़ाओ,
पानी में गिरना है। ऊपर 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 जाओ। मैं ना गिर गया पानी में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई। ओए मेरी बाइक कैसे निकलेगी। ऐसे खड़ी हुई मेरी बाइक, अब देखते हैं हमारी वाली कैसे निकलेगी। जी 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 अल्लाह अकबर। लेट्स सी, मैंने लाइट भी खोल ली है। गाड़ी को करें पहले गए थे, हम जाएंगे यहाँ से। हमने तो निकाल दिया आराम से, नहीं हम भी नहीं निकाल पा, बच गए। चलो चलो, मुझे लगा वापसी आसान होगी, तो वापसी खतरनाक हो गई। मुश्किल लग गई पूरी, और गाड़ी ले रही है। आप गलत जगह ले आए हैं, खैर ये जवान गाड़ी है। बहुत एक्सपेक्ट कर चुके पहले, और हम एक्सपेक्ट की वीडियो मोस्टली बनाते नहीं हैं। आज इक्विपमेंट के साथ आए थे, इसलिए बना दी। ठीक है, ये डेंजरस है। टेढ़ी चल रही है। मेरी कोशिश है कि मैं इसको इस ट्रैक पे चलाऊं। बहुत ही जाऊंगा, थोड़ा सा रह गया और अगर पहुंच गया समंदर में गाड़ी जाने से डर लग रहा है। गाड़ी बहुत स्लिप हो रही है। जाते वक्त कितना डेंजरस नहीं था, आते वक्त क्या हो गया इसको, आते वक्त शायद मट्टी में नहीं जाता। ओ फाइनल ये क्या हो गया सीन। चलो बस अपने भी लॉक का करते हैं इख्तिताम, पहुंच गए हम पक्के रोड पे। अल्लाह हाफिज़। ये है एशिया की सबसे बड़ी मच्छी मार्केट, लेकिन हो गया है रात का अंधेरा, तो वो मछलियां जो आपको नज़र आ रही हैं इतनी सारी पड़ी हुई, ये ढेर का ढेर लगा हुआ है। ये सारी मछलियां इन्होंने यहां से पकड़ी हैं, और ये एशिया की सबसे बड़ी जेटी है। इसका नाम है दाम बलोचिस्तान, दाम जेटी, और ये यहाँ से वहाँ तक जेटी, और इतनी ज़्यादा मछलियाँ वो देखें, एक ढेर वो रहा और एक ढेर ये रहा। तो ये सारे ढेर और ये सारी कश्तियाँ यहाँ पे लोग इस तरीके से बनाते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनका जो एक तरीक़ेकार है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको भी लाइट जला के दिखाता हूँ। बस ये जेटी है, आप इसको देख लें, और फर्दर हम ये देख रहे हैं आप, ये जो जो इस तरीके से भर रहे हैं ये थैले के थैले, ये सब फिश हैं, और ये फिश इन्होंने यहीं से पकड़ी है। ये बहुत बड़ी जेटी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो है वो ये फ़िश मार्केट है, इसको ये कह लें दाम बलोचिस्तान, दाम जेटी। और यहाँ पर वो बहुत कॉर्नर से यहाँ तक मैं जो रस्ते चलता पाया हूँ, वहाँ से यहाँ तक सब की सब जो है वो कश्तियाँ खड़ी हुई थी, और यहाँ बहुत माहीगीर हैं, बहुत ज़्यादा माहीगीर हैं। आप देख रहे हैं ये लोग मुसलसल काम करते हैं, मुसलसल एक ट्रक वो भर रहा और एक ट्रक ये भर रहा, तीन चार आगे हैं, ये गधा गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं लोग, बहुत ज़बरदस्त।